अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। शादी की पहली रात दूल्हा खाने का बड़ा सा थाल लिए कमरे में दाखिल हुआ। खाने से बड़ी इश्तहा अंगेज़ खुशबू आ रही थी। कहने लगा, आओ खाना खाते हैं। बीवी बोली, मैंने देखा है तुम्हारी वालदा ने भी खाना नहीं खाया, उनको भी बुला लो, फिर मिलकर खाते हैं। शोहर ने कहा, वो सो गई होंगी, इन्हें छोड़ो, हम दोनों खाते हैं। बीवी इसरार करती रही, पर वो इसी बात पर मुसर्र रहा कि अम्मी को रहने दो। जब बीवी ने शोहर का ये रवैया देखा तो उसी वक्त तलाक का मुतालबा कर दिया। शोहर बड़ा हैरान हुआ इसके मुतालबे पर। इसने बड़ा समझाया लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही, यहाँ तक कि तलाक हो गई, दोनों अलग हो गए। फिर दोनों ने दूसरी शादियाँ कर ली। 30 साल गुजर गए, औरत के बेटे हुए, बहुत मोहब्बत करने वाले, माँ का ख्याल रखने वाले, बहुत आसूदा हाल थी वो। इसने इरादा किया कि हज करना चाहिए। सफ़र के दौरान बेटे इससे किसी मलका की तरह पेश आ रहे थे, पांव ज़मीन पर लगने न देते थे, सराही सफ़र था। रास्ते में एक आदमी पर नज़र पड़ी जो बहुत बुरी हालत में भूखा प्यासा, बाल खिचड़ी, कपड़े पुराने। इस औरत ने बेटों से कहा, जाओ देखो कौन मुसाफिर है, इसे उठाओ, हाथ मुँह धुलाकर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। चनाचा बेटे गए, माँ ने जैसा कहा था वैसा किया। औरत की जब इस पर नज़र पड़ी तो जान गई कि उसका पहला शोहर था। कहने लगी, ये क्या किया वक्त ने तुम्हारे साथ। बोला, मेरी औलाद ने मेरे साथ भलाई नहीं की। औरत कहने लगी, क्यों करती, कि तुमने वालदान के साथ बुरा सलूक किया था, मैं इसी दिन जान गई थी कि तुम माँ बाप के हकूक़ अदा नहीं करते, इसलिए मैं डर गई कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अब देखो आज मैं कहाँ और तुम कहाँ। माँ बाप के साथ बुरा सलूक अल्लाह की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा हम शानदार गुजारना चाहते हैं तो वालदन के साथ शानदार सलूक कीजिए, क्योंकि ये ऐसा मल है जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है, ख्वाह अच्छा हो या बुरा। अरबी हकायत का उर्दू तर्जमा। सब्सक्राइब माई चैनल।